प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैबंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाहूं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हरिधि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। तेतीस कोटि आधारा ध्यावे शेष अठासी उतरे बौजल पारा कट है यम की फांसी। तेतीस कोटि अदारा द्यावे सैंस अठासी उतरे बौजल पारा कट है यम की फांसी। कर चोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिद्धा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जा मैं गुलाम।
कुता हूँ गुरु देव का राम पाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाम। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोख। जय अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अव गुण किए तो बहुत किए, अव गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अव गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, अप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँह। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी, कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये काल कौन है? हमारे यहाँ जन्मने और मरने के पीछे ये क्या क्या कहानी है, क्या कारण है? आज हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हमारा परिवार संपन्न हो, एक पल में ना जाने क्या हो जावे, परिवार के परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अक्षेत्र के अक्षेत्र भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुशल हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये बताया कि जिनको काल ने ग्रास कर लिया, जिनको उन आपदाओं ने नष्ट कर दिया,
वो भी कुछ क्षण पहले अपने आप को कुशल समझ रहे थे। उनकी ना जाने कितनी आशाएं थी, उतनी ही आशाएं थी जितनी शेष बचे हुओं की हैं। वो स्वयं ही ना रहे, आशाएं तो कहां से होनी थी, कहां से रहनी थी। पुण्यात्मा और परमात्मा ने आके, कबीर परमेश्वर जी ने आके इस काल के षड्यंत्र का बांडा फोड़ किया है कि तुम अपनी गलती के कारण आप जी यहां आ गए, और अब ये तुम्हें रास्ता नहीं दे रहा। इसके कारण इसका स्वार्थ है कि इस काल को जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म कहा है जिसका ओम नाम, ओम मंत्र है जाप करने का। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। ये स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो। आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय के समुदाय, देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं काल हूं, और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे। ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे, और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई? क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था।